अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कैनेडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। आज की वीडियो आप लोगों को देख रहा होगा कि गेस शॉप, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत अच्छा ब्रांड है कैनेडा में, एंड गेस की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। तो खैर बेसिकली मेरा जो, मैं पाकिस्तान से जो वॉलेट लाई थी वो, उसको थोड़ा सा वो बच्चों की वजह से, बच्चों की जो चीज़ें सारी होती हैं उसकी वजह से वो ख़राब हो गया था। तो मुझे चाहिए था कार्ड होल्डर, क्योंकि मेरे पास जो है ना वो इतने ज़्यादा कार्ड हो गए थे, बच्चों के भी हेल्थ कार्ड, सारी चीज़ें, सब के कार्ड्स वगैरह। तो मुझे चाहिए था कार्ड होल्डर वॉलेट, तो जिसको लेने के लिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना गेस, मैंने आउटलेट देखी तो मैंने बोला कि चलो गेस पे जाके जो है ना इनके एक कार्ड होल्डर वॉलेट देखती हूँ। तो इधर जो है ना बहुत अच्छी वैरायटी थी और बहुत ही मतलब कि मतलब नॉर्मल, मेरे लिहाज से नॉर्मल प्राइस थी। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी ओवर प्राइस है, कि ऑब्वियसली इट्स अ ब्रांड, तो ब्रांड की आपको वो सस्ते में तो नहीं मिलेगा, वो ब्रांडेड ही प्राइस में मिलेगा। लेकिन इसकी क्वालिटी मैंने सोची थी कि बहुत अच्छी होती है, इससे ऊपर के भी ब्रांड्स होते हैं आप लोगों को जैसे पता है, एलवी है, ल्यू है और गुची है, प्राडा है, मतलब उससे भी अबव है, माइकल कॉर्स है, मतलब कोई देयर इज नो लिमिट। लेकिन खैर मुझे गेस के कोच है, लेकिन मुझे गेस के जो है ना वो इसकी मुझे वैरायटी बहुत अच्छी लगी थी। ये न्यू अराइवल में से, मैंने आपको बता रही हूँ, न्यू अराइवल में से आया था। ये जिप वाले जो वॉलेट्स हैं ना, ये मुझे कभी भी अच्छे नहीं लगे, क्योंकि जिप जो है ना ये मतलब एक दो महीने बाद, क्योंकि आपने बार बार कॉन्स्टेंटली खोलनी होती है, जहाँ भी आपने कार्ड स्वाइप करना होता है आपने बार बार खोलनी होती है, फिर वो बंद जल्दी होती है आपको, तो वो बंद नहीं होती, वो मुंह कई दफ़ा खुला रह जाता है, मतलब वो बड़ा ही नॉन प्रैक्टिकल, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर कैश आप रखते नहीं हो, यहाँ पे आपका सारा कार्ड सिस्टम है। सो बाहर के इंटरनेशनल आप लोगों को जो ट्रैवल कर चुके हैं उनको पता होगा कि सारा बाहर जो है ना आपका कैश इतना नहीं चलता, हर जगह आपका कार्ड्स यूज़ होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये भी देखा था, ये भी मुझे अच्छा लगा था, ये था $29 का था और प्लस टैक्स, क्योंकि इस पर जो है ना 13, मतलब आप लोगों को पता है ओंटेरियो में 30% टैक्स लगता है। तो लेकिन मुझे सिर्फ कार्ड होल्डर चाहिए था, मुझे कैश के लिए ये वो था कि, क्योंकि मुझे एक कार्ड होल्डर वॉलेट चाहिए था, क्योंकि एकदम से बंदा बच्चों के साथ बिजी होता है, इतना कुछ हाथ में सामान होता है, कई दफ़ा सिर्फ बंदा जो है कार्ड होल्डर वॉलेट एक हैंडी भी होता है, पर्स ना उठाया हुआ, जस्ट वो आप उन्हें वॉलेट उठाया हुआ कार्ड होल्डर वाला, एंड दैट्स इट, यू कैन गो। तो मुझे एक बहुत ही कस्टमाइज सा मिनिमम जो है ना स्पेस लेने वाला मुझे वो चाहिए था। तो मैं ये बिलाल, फिर पहले तो गाड़ी में थे तो फिर ये निकल के आए थे, तो मैंने इनको दिखाया था। इसमें मैं आपको बताऊंगी एंड में, काफ़ी इसमें जो है ना कलर्स भी थे, वैरायटी भी थी, ऑप्शंस भी थे। गेस की ज्वेलरी इतनी ज़बरदस्त थी, ये आप लोग जो देख रहे हैं ये $28 की जो है ना ब्रेसलेट थे और ये चेन्स थी। तो बस यही आप लोगों को वैरायटी दिख रही होगी। और बैग्स पे तो मेरा ऐसे दिल आया ना कि आप लोग पूछे ना लें, क्योंकि यही सारे बैग्स जो है ना ये $100 से अबव स्टार्ट हो रहे होते हैं। और ये वाइट वाला बहुत अच्छा था, लेकिन बच्चों के साथ वाइट कलर इज़ नॉट फीजेबल एट ऑल, क्योंकि बच्चों ने जो है ना वो, बच्चों वाली जो माँ, खसूसन छोटे बच्चों वाली जो माँ है वो जानती होंगी, और मैं जो है वो अभी उस एज में मेरे बच्चे नहीं गए जिस एज में मैं छोटे बैग्स स्टार्ट कर दूँ। अभी मैं जो है ना वो टॉट बैग्स ही उठाना प्रेफर करती हूँ और बड़े बैग्स में हूँ मैं, क्योंकि जो हजीनिया का भी बेबी बैग ख़त्म हुआ है और जोहा का भी बेबी बैग नहीं लेती अब मैं, कैरी नहीं करती, तो उस वजह से जो भी इनकी थोड़ी बहुत भी चीज़ें होती है ना वो मेरे बड़े वाले टोट बैग में होती है। खैर ये देखे, ये मुझे गेस का जो है ना पर्स सबसे क्लासी लगा था, इट वाज लाइक फॉर $200 एंड 200 प्लस टैक्स। मैं आप लोगों को बार बार प्लस टैक्स इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोग समझते हैं कि खाली यही प्राइस है, ये प्राइस नहीं होती, तो मतलब प्लस टैक्स के साथ आप लोग सोच सकते हैं कि भाई कितने 13% टैक्स आपका लगता है हर चीज़ पे, तो आपको टैक्स को इंक्लूड करके माइंड में वो प्राइस देखनी पड़ती है। एंड आप लोगों को दिखा दूँ, ये जो स्लिपर्स है ना ये सारे, ये थे 38। पहले लास्ट टाइम मैं इधर आउटलेट पे आई थी तो दीज वर फॉर $20। मैंने बोला चलो आज जो है ना एक चप्पल भी उठा लेती हूँ, लेकिन ये चप्पल जो है वो आज
$38 प्लस टैक्स पे लग गई थी। तो ये जो ये वाली जो चप्पल है वो $38 प्लस टैक्स पे थी, और ये जो ये उन्हीं चप्पल के ऊपर जो है ना वो आप लोग देख रहे होंगे स्लिपर्स जो है ना उनके ऊपर सैंडल बना दिए थे। तो ये जो सैंडल्स टाइप जो इन्होंने बनाई हुई थी उनको ऊपर ये इसकी ये देखिए आप मतलब गोरे भी जो है ना ये स्टाइल पहनने लग गए हैं, लाइक अंगूठे वाला जो स्टाइल है कोल्हापुरी वाला जो स्टाइल होता है ना वो ये गोरे भी पहनने लगे, लाइक गैस की जो इंटरनेशनल चेन है वो भी ये चीज़ बनाने लग गई है। सो खैर ये जो मैं अभी आपको दिखाई थी ये $47 प्लस टैक्स पे थे, ये जो ये वाले थे और वो सामने जो स्लिपर्स थे वो $38 प्लस टैक्स पे थे। तो इसमें बाकी ये जो हैंड बैग्स होते हैं अक्रॉस बॉडी बैग थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। ये वॉलेट भी मुझे अच्छा लग रहा था, इट वॉज फॉर $40 प्लस टैक्स, लेकिन मुझे कैश रखने की भी ज़रूरत नहीं थी तो मैं बोला आगे जाके फिर मैं कैश रखूँगी। और मैं उनसे पूछ रही थी कि इज़ इट 50% ऑफ ऑन इट और या फिर जो है वो, लेकिन उन्होंने ये यहाँ पे जो है ना मेजॉरिटी सारे ब्रांड्स लगाते हैं बाय वन गेट वन 50% ऑफ का मतलब ये है कि आप एक लो फुल प्राइस पे एंड सेकेंड वाला जो आप लोगे दूसरा एक और आप ले सकते हो ऑन 50 हाफ प्राइस पे, मतलब सेकेंड वाला आपको 50% ऑफ पे मिलेगा। सो मतलब सुनो आपको दो लेने, ये वाला जो गेस्ट बैग है ना ये वाला था थोड़ा सा कॉम्पैक्ट छोटा था लेकिन ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था एंड खूबसूरत लग रहा था। खैर आप लोग देख सकते हैं ये सारे वैरायटी ऑफ बैग्स हैं, ये भी छोटे से कार्ड होल्डर थे लेकिन ये मेरे कुछ काम के नहीं थे, मुझे वो ही अच्छा लगा था जिसमें ज़्यादा सारे मेरे सारे कार्ड्स आ जाएं बेसिकली, क्योंकि पर्स में जो है ना साइड पॉकेट में मैं कार्ड्स रखती हूँ लेकिन उसको भी कभी भी कार्ड से बार बार मुझे पेमेंट करनी पड़ती है तो मुझे सारे कार्ड्स निकालने पड़ते हैं और उसमें से ढूंढना पड़ता है कि कौन सा कार्ड है। एक कार्ड होता है, दूसरा कार्ड होता है, तीसरा कार्ड होता है, बैंक्स के कार्ड्स होते हैं, दूसरी चीज़ें कोई कार्ड होते हैं। सो ये न्यू अराइवल में से मैंने उठाया है, ये जो आप लोग देख रहे हैं मेरा कार्ड होल्डर वॉलेट ये मैंने न्यू अराइवल में से दिखाया था। इसमें वाइट कलर भी था और इसमें ये इस तरीके से पिंक का भी था, उसमें ब्लैक भी था, इसमें ब्राउन भी था। बेसिकली ये गैस का शायद ये ब्राउन वाला ब्राउन और रेड है ना ये ज़्यादा चलता है लेकिन मुझे ये पिंक वाला ज़्यादा अच्छा लगा था, एम्बोस था अंदर भी सारा एम्बोस था और काफ़ी स्पेशियस था। तो खैर ये मेरी जो है ना वो शॉपिंग थी, बस 2 मिनट रह गए थे आउटलेट बंद होने में, लाइक मैं लास्ट मोमेंट पे ही गई थी और मैंने जस्ट ये बाय कर लिया। लाइक मुझे ये पड़ा $30 पे, ये मुझे पड़ा था ये वॉलेट। तो ये इसके सामने ही ओल्ड नेवी भी है, ये गैस की फैक्ट्री आउटलेट है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हिना बिलाल कैंडल व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।